सीरत जी मैम आइए ना प्लीज। सीरत प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बिल्कुल नहीं माँ, प्लीज आप माफी मत मांगिए। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, आपने जो भी किया वो मेरे लिए किया। अपनी बेटी की तकलीफ आपसे देखी नहीं गई इसलिए किया। वो मैंने तुम्हें अम्मा की तस्वीर से बात करते हुए देखा था तो बस आंखें भर आई। मैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकती सीरत, लेकिन सोचा कि जो मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट उसे करने की कोशिश तो करो। एक आप माँ है और एक वो है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। उनकी वजह से बचपन में ही इस शब्द से ना नफरत हो गई थी मुझे, और आपको देखती हूँ तो दिन पर दिन इसके लिए इज्जत और बढ़ती जाती है। कोई इतना अलग कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई खुद से पहले दूसरों के बारे में कैसे सोच सकता है। जितना सोचती हूँ उतना ही डरती भी हूँ कि मैं कभी नहीं बन पाऊंगी आपके जैसे। ये किसने कहा तुमसे? मुझे पता है कि जब तुम माँ बनोगी ना तो एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। तो नहीं पता माँ, लेकिन इतना जरूर है कायरव और अक्षु अगर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हुए ना तो आपकी तरह दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं उनके लिए। ये अगर तुम मुझे ना भी कहती ना तो भी मुझे पता है सीरत, पर बेटा कायरव और अक्षु के साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान देना। जो गलती मैंने की है वो कभी मत करना। नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है माँ, नए रिश्तों के आने से प्यार कम नहीं होता, बढ़ता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है। मैं अपने तीनों बच्चों को ना एक जैसा प्यार करूंगी और उन्हें भी एक दूसरे से बहुत बहुत सारा प्यार करना सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने मुझे और अक्षु को इतनी अच्छी मम्मा दी। आपको पता है सीरत मम्मा ना मुझसे और अक्षु से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर ये नहीं पता था कि अपने बेबी से भी ज्यादा प्यार करेंगी। उसके लिए तो बिग वाला थैंक यू। एंड आई प्रॉमिस भगवान जी कि जब न्यू बेबी आएगा ना मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखूंगा। अरे वाह क्या बात है, मेरी बेटी योगा कर रही है। ये ले पी के देख, मैंने अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल माओ के हाथ जैसा स्वाद आएगा, पी के देख। नहीं चाहिए मुझे। अरे पी के तो देख, माँ के हाथ से तो बच्चे। जिस माँ ने कभी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, जिस माँ ने मेरे स्कूल से आने के बाद मुझे एक गिलास पानी का नहीं पिलाया, जिसने मेरे भूख लगने पर मुझे एक बार रोटी बना के नहीं खिलाई, जिसने मेरे सपने में डर जाने पर मुझे कभी गले से नहीं लगाया, आज उस माँ को मेरी इतनी चिंता हो रही है, ये देख के ना मुझे पच नहीं रहा है। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां करी हैं, पर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते ना। मुझे अपनी एक एक गलती का एहसास है सीरत, इसीलिए तो उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने तेरे साथ किया वो मैं तेरे होने वाले बच्चे के साथ नहीं करना चाहती। मेरे बंद कीजिए अपना नाटक, और एक बात ना मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप यहाँ पैसों के चक्कर से आई है ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको, समझी आप? सीरत आई दादी। जूस, ये जो जूस लेकर आई है ना इसे खुद ही पी लीजिए और चलती बनिए यहाँ से। क्या करूं मैं इस लड़की का, ये तो काबू में आती ही नहीं मारे। इतनी आसानी से तो ये पैसे देगी नहीं, पर मारे को बहुत जरूरत है पैसे की है भगवान। हेलो हेलो, हाँ जी जी, मैं आपके पैसे आपको मिल जाएंगे भाई साहब, आप मुझे बस दो दिन का समय दे दो, दो दिन का, 2 days। ये लेनदार हमको छोड़ेंगे नहीं, और सीरत इतनी आसानी से पैसे दे ही नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। ये कंगन तो बहुत ही कीमती लग रहे हैं दादी, बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे रानी महारानियों के हों वैसे। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कंगन हमारी नानी के थे और वो राजसी घराने की थी, हमारी माँ ने इन्हें हमारी गोद भराई में दिया था
और तब से हमारी हर बहू को हम पहनाते हैं उसकी गोद भराई में। अब तुम्हारी बारी। मैं नहीं नहीं दादी, मैं नहीं, ये बहुत कीमती होंगे। हाँ तो कौन सा तुम्हें हमेशा पहनना है, माँ जी तो तुमसे भी उतरवा लेंगी जैसे हमारे उतरवा लिए थे हमारी गोद भराई के बाद। हाँ तो क्या गलत करते हैं, हमारी माँ के कंगन है, हमारी जान बसती है उनमें, एक दिन के लिए पहनने देते हैं, वो कोई कम है क्या? नहीं दादी, मैं समझ सकती हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है ये, अगर कोई मुझसे कहेगा ना मेरी नानी की कोई चीज देने तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि तुम इस बात को समझती हो, हम बेफिक्र होके तुम्हें ये कंगन दे पाएंगे। और एक बात है बेटा, हमें ये कंगन हमारी नानी से आया है, उसमें उनका प्यार भी है और उनका आशीर्वाद भी, तुम इन्हें अपने नानी से समझ लो ताकि जब पहनोगी तो उनका प्यार तुम्हें महसूस हो। सीरत, अगर माँ जी ने तुम्हें ये कंगन दिए है इसका मतलब ये है कि तुमने उनका दिल जीत लिया है। हाँ पर इनके दिल से उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए कह रही हूँ बहुत कीमती है, संभाल के पहनना, कहीं खो गए तो। क्यों खोएंगे सुरेखा? मैं सिर्फ बता रही हूँ दीदी, जितनी महंगी चीज उतनी बड़ी जिम्मेदारी। वही मैं भी सोच रही हूँ चाची कि मैं कैसे संभाल पाऊंगी ये। क्यों नहीं संभाल पाओगी, दो दो बच्चे जो संभाल रही हो, एक जोड़ी कंगन नहीं संभालोगी? मैं कोशिश करूंगी दादी। बस एक बात और, पहनने से पहले ना इन्हें पॉलिश करके ले आना। ठीक है, वो जब मैं कायरव स्कूल छोड़ने जाऊंगी तब आपसे लेते हुए जाऊंगी। कंगन तो बहुत कीमती लग रहे हैं, अगर मिल जाए तो सारे कर्जे उतर जाएंगे मेरे पार्लर की सौगन। कार्तिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पहले इतनी टेंशन में हूँ और आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। तो तुम टेंशन ले क्यों रही? कंगन ही तो है सीरा। हाँ पर कोई ऐसे वैसे कंगन नहीं है, दादी की नानी के कंगन है, वो बहुत खास है उनके लिए और उन्होंने मुझे दिए हैं, मतलब ऐसा समझो कि उन्होंने ना मुझे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जो मुझे नहीं पता मैं निभा भी पाऊंगी या नहीं। तुम सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाओगी, I promise. मुझे पता है आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, यहाँ मेरी जान जाए जा तो जान मत दो। एक काम करता हूँ, मैं दादी से बात करके आता हूँ, मैं कह देता हूँ उनसे कि तुम्हें कंगन पहनने के लिए ना कहे। अरे नहीं नहीं, मैं बुरा लगेगा ना, नहीं रहने दीजिए। और जब अपनी बीवी को उदास देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है उसका क्या? या तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लोगे, या फिर मैं दादी से अभी बात करके आता हूँ। अच्छा वादा वादा, गुड, अब मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है, आगे मत। हाय। इतना रुका सुखा पाए। सिर्फ एक सेकंड से काम चलेगा मेरा, जब तक बेबी खुद मुझे किसी करना नहीं शुरू करता तब तक उसके हिस्से की किसी है भी तो उसकी मम्मा को एक करना पड़ेगा। बाय। आजा। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने, कहाँ आ गए? क्या हुआ ताई जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? गायो, वो सीरत के लिए जो कंगन निकाले थे ना, वो नहीं मिल रहे। क्या? हाँ, वो भगवान के सामने हमने रखे थे, बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली पूजा के लिए, जब आंखें खोले तो कंगन गायब। पर माँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है, घर से कैसे चोरी हो सकते है? वो सीरत की माँ आई नहीं कि घर में चोरियां चालू? हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें भी शिला पे ही शक है, लेकिन पूछेंगे कैसे उन्हें? ना आपने वो फोन करके रेसिपी मांगी होती दीदी, और ना ये नौबत आती घर में। स्वर्णा दीदी का उन्हें फोन करना समझ में आता है, पर उनका यहाँ पर जमकर बैठ जाना ये समझ के बाहर है। क्या वो कोई परेशानी है इस घर में? हाँ हाँ, जीती जागती परेशानी जो आई है तुम्हारे ससुराल से कार्तिक, वो आई नहीं कि घर में चोरियां शुरू, माँ जी का कंगन गायब हो गया, और ये कोई ऐसे वैसे कंगन नहीं थे, उनकी नानी माँ के दिए हुए कंगन थे।
हाँ किट्टू, बहुत ही कीमती नग था। उसमें सोने के साथ साथ जड़ाव, पन्ना, मूंगा सब लगा हुआ था, और सबसे ज्यादा तो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी और इतनी सारी यादें। ओहो, इन बातों में हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। इससे पहले कि वो भाग जाए, चल के उनकी तलाशी लेते हैं। चलिए। नहीं नहीं चाची, ऐसा मत कीजिए प्लीज। सीरत, ये कंगन की जिम्मेदारी को लेकर ऑलरेडी बहुत परेशान है, बीमार है वो। उसके सामने सारी बातें होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या उसकी माँ को कंगन लेके जाने दे? नहीं, अगर ये कंगन उन्होंने चुराए हैं तो इस घर के बाहर नहीं ले जा पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, आप सबसे। आप लोग बस कड़ी नजर रखना उन पर, और प्लीज सीरत के सामने नॉर्मल बिहेव करना। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर जब वापस आऊंगा तब बात करेंगे। हाँ कार्तिक, तुम जाओ, हम सीरत को कुछ पता नहीं चलने देंगे। जल्दी आना। दादी, आप मुझे वो कंगन दे दीजिए, मैं पॉलिश करवा के ले आती हूँ। वो तुम रहने दो, वो हम खुद करवा लेंगे। आपको लगता है मैं खो दूंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी? नहीं नहीं सीरत, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो एक्चुअली माँ जी ने दुकान पे कॉल किया था तो पता चला कि दुकान आज बंद है। तुम कायरव को स्कूल छोड़ाओ, हम कंगन का काम किसी और दिन कर लेंगे। जी चलो। अच्छा सीरत मम्मा, मैं ना खुद स्कूल चले जाता हूँ, ड्राइवर भी आया ना, मुझे छोड़ देना, आप घर पे रेस्ट करो। अरे नहीं नहीं कायरव, मैं चलती हूँ ना आपको छोड़ने, आज वंश भाई अभी नहीं है तो। हाँ इनकी सुबह सुबह प्रैक्टिस थी, बट डोंट वरी, ड्राइवर भी आया ना हमारे साथ, वो मुझे छोड़ देंगे। आप जाओ रेस्ट करो, छोटू बेबी और अक्षु का ध्यान रखना। ओके पक्का? अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। ओके, और भैया आप प्लीज इसको स्कूल के अंदर तक छोड़ के आना, आराम से ले जाएगा, बाहर से मत छोड़ के आना। ठीक है, ओके। पता नहीं कार्तिक कब तक आएगा, आप तब तक क्या ऐसे ही परेशान होती रहेंगी? तो अब और क्या करें हम, किट्टू ने मना किया है ना सीरत को बताने से, और कैसे कहेंगे सीरत को कि वो हमारे कंगन चोरी हो गए, हमारी नानी माँ के दिए हुए इतने कीमती कंगन हमारी आंखों के सामने गायब। गायब नहीं हुए हैं, शीला ने चुरा लिए हैं। अरे अच्छा किया लाडो जो तू यहाँ आ गई, मैं तेरे ही पास आ रही थी तुझे ये बताने के लिए कि तेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मन तो जरा भी नहीं कर रहा तुझे इस हाल में छोड़ के जाने का, पर क्या करूँ ना, मजबूरी है, तेरा तो पूरा परिवार है तेरा ख्याल रखने के लिए, पर उस बेचारे के पास तो कोई नहीं है ना। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही है, जाना है ना मारे को। जब तक कंगन वापस नहीं कर देती मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। कहाँ है कंगन? कौन सा कंगन बता रही हो आप, या तू एक पंचेश्वर? भेज दूंगी अपने बक सरपति के पास, समझी, सीधा वहीं जाके गिरोगी। अब दांत तोड़वाने हैं या बता रही हो दादी क्या कंगन कहाँ है? कहाँ है कंगन? अरे नहीं हमारे पास कोई कंगन, मेरे पार्लर की सौगंध। झूठ तो बोलो ही मत, मुझे पता है कि कंगन आप ही ने चुराए हैं। ये भगवान, अपनी माँ को चोर बोल रही है, शर्म नहीं आती तारे को? चोर को चोर बोलने में कैसी शर्म? अरे शर्म तो उसे आनी चाहिए जो अपनी बेटी के ससुराल में बिना बुलाए आ गई, शर्म उसे आनी चाहिए जो अपनी बेटी के शादी के दिन उसके ससुर को ब्लैकमेल कर रही थी, शर्म उसे आनी चाहिए जो अपनी बेटी के पति से पैसे मांग रही थी, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने अपनी बेटी का घर तोड़ने की कोशिश की, उसके मन में वहम बिठाया, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने अपने बेटी के ससुराल में चोरी की, वो भी उसके गहनों की नहीं, उसके दादी सास के गहनों की। आपकी इन शर्मनाक हरकतों का कोई अंत है कि नहीं, और कितना गिरेंगी आप? सच कहते हैं लोग, कलेजा छलनी किसी पराए की बातों से नहीं, अपनों की बातें सबसे ज्यादा चुभती है, जैसे मुझे चुभ रही है अभी, मेरी बेटी मुझे चोर समझती है जबकि मैंने कुछ चुराया ही नहीं है। अरे नहीं है तेरी दादी सास के कंगन मेरे पास, तेरी कसम। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, मेरी कसम खाई है ना आपने,
तो मुझे पता है कंगन आपने चुराए हैं। अगर कसम खानी है ना तो अपने बेटे सोनू की कसम खाओ, खाओ उसकी कसम, खा के बोलो कि मैंने कंगन नहीं चुराया, मैं मान लूंगी आपने कंगन नहीं चुराया। आप ऐसे नहीं मानेगी, है ना? सीरत क्या कर रही है? अरे वो मारा बैग है। इतने सारे पैसे कहां से हैं आपके पास? सच सच बताइए, कहां है कंगन? मेरे पास नहीं है, कहां ना? तो क्या किया उनका? बेच दिया उन्हें? इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप कि इन भले लोगों के बीच रह के ना मैं भी इनके जैसी बन गई हूं। बताइए जल्दी से, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस को फोन मत करना, कंगन कंगन सच में मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है कंगन? बेच दिया मैंने 5 लाख में। पैसों की बहुत जरूरत थी मारे को, लेनदार फोन पे फोन, धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे। अगर पैसे वापस नहीं किए तो मेरे बेटे को उठा लेंगे। बकवास मत करो अपनी, एक शब्द नहीं सुन रहा मुझे आपके मुंह से। बस इतना बताओ चुपचाप कि कहां बेचे कंगन, कहां है? पता नहीं। पता नहीं? ऐसे कैसे नहीं पता? मतलब याद नहीं। याददाश्त तो मैं लगाती हूँ अभी आपके ठिकाने। अभी क्या, अभी चलो मेरे साथ। अरे छोरी, तेरे ससुराल वालों के पास इतना पैसा है, अगर सागर में से एक लोटा कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। अगर मेरे साथ आप कुछ करती भी ना तो भी मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे परिवार के साथ किया वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए मेरे साथ चलिए। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।